गणेश रे गणेश रे गणेश रेवा माता रखी पार्वती पिता महादेवा। कन्हू जी आपने हमें सब कुछ दिया है, बस अब थोड़ा इन्हें भी दे दीजिए। ये ना आजकल बहुत परेशान रहते हैं, इनकी बॉस ना इन्हें प्रमोशन ही नहीं दे रही, कुछ खींचे ना गन्नू जी। जा बच्ची, तेरी इच्छा पूरी होगी। गन्नू जी क्या देख रही हैं? हम बोल रहे हैं, हम स्वयं हम। यार तुम यार प्रीति, तुम्हारा चेहरा देखने वाला था, तुम्हें सच में लगा कि भगवान तुमसे बात कर रहे हैं। भगवान का ना मजाक नहीं उड़ाता। अरे मैं भगवान का मजाक नहीं उड़ा रहा था, मैं तो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। छोटी बच्ची रह गई यार तुम। ये परिमल को ज्यादा मजाक नहीं उड़ा रहे तेरा? अच्छा अच्छा सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा वो मेरा कल वाला कोट कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। मम्मा मेरा तोत कहाँ रखा है? बेचारा बच्चा, करा स्पून फीड करा। अब हम मजाक उड़ाए तुम्हारा कि तुम बच्चे ही रह गए, ऐसे पीछे से आके हमें डराना। और फिर मेरा कोट कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, मेरे जूते कहाँ है? कोई भी काम मेरे बिना कर सकते हो तुम? मम्मी हूँ क्या मैं तुम्हारी? पिघलना मत, बिल्कुल नहीं, उसकी आंखों मत देखो, मत देखो उसकी आंखों में। बस यही आता है ना तुम्हें, पपी फेस बना लो और पिघला दो मुझे। चलो अलमीरा में ही होगा, देती हूँ हो। आ आप जितनी सहजता से सबसे अपने मन की बात कह देते हैं, वैसे उस डायन को क्यों नहीं कह पाते? डायन नहीं, डायना प्रीति। जो भी आपको परेशान करेगा ना वो हमारे लिए डायन ही है। आप कितने क्वालिफाइड हैं, आप दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? ये नौकरी छोड़ दो आप। छोड़ तो वो नहीं रही है मुझे। मतलब रिप्लेसमेंट चाहिए होगा ना मेरा, तभी कुछ हो सकता है ना। चलो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ, और शाम को मेरे लिए खाना मत बनाना। मेरा वो डायना के साथ क्लाइंट मीटिंग है, तो आने में लेट होगा। ओके okay? आज भी हम अकेले ही खाना खाएं, ठीक है? सॉरी बाय। ओके बाय। ये परिमल बड़ा क्लोज लगता है डायना के, हर क्लाइंट मीटिंग में साथ लेके जाती है। सही है, हाय, आई एम रियली सॉरी, मैं घर से निकलते निकलते लेट हो गया। यू नो माई वाइफ ना, मैं बस 5 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ, एंड आई विल पिक यू अप, आई सी यू देन। या ओके बाय। हे भगवान, ये किसका बाल है? इतना लंबा बाल तेरा तो नहीं है। ये परिमल की शर्ट पे कैसे आया? सूंघ के देख, सूंघ बाल को नहीं शर्ट को। ये इनके परफ्यूम की खुशबू नहीं है, चिड़िया है जो चुग रही तेरा खेत है। सही कहता है परिमल, तू ना बच्ची की बच्ची ही है और अकल की कच्ची है तू। क्या होगा तेरा? देखो प्रीति, मेरी आदत नहीं है इधर की बात उधर करने की, पर ये इधर उधर की बात थोड़ी ना है, ये तो घर की ही बात है। मैंने ना आज परिमल भाई साहब को देखा। उसमें कौन सी नई बात है, वो तो हम रोज ही देखते हैं। अरे मेरा मतलब है कि मैंने भाई साहब को किसी लड़की के साथ देखा, बहुत खुश नजर आ रहे थे, हंस हंस के बातें कर रहे थे, गाड़ी का दरवाजा खोला, बहुत प्यार से उसे गाड़ी में बिठाया, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए।
कहा था ना मैंने, हो गया कंफर्म, चिड़िया है। प्लीज चुप। मैं तो चुप भी हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया, सबसे पहले आके तुम्हें ही बताया। पूछ बाल कैसे थे, पूछ बाल कैसे थे उस लड़की के बाल, लंबे घने सुंदर, वो जैसे शैम्पू के एड्स में दिखाते हैं ना, लहराते हुए उछलते हुए। बस बस समझ गए हम। एक मिनट आते। ये ऐसे थे क्या, इतने लंबे और काले? हाँ ऐसे ही थे, लंबे काले। हे भगवान, कहीं उसी लड़की का बाल तो नहीं है? ये हमेशा कहते थे हमसे कि इन्हें काले लंबे और घने बाल पसंद है। हमें नहीं पता था कि इनके चक्कर में ये बाहर ही चक्कर चला लेंगे। कहा था ना, आजकल ठीक नहीं लग रही है परिमल की चाल। आने दो इन्हें, आज निकालेंगे हम इस बाल की खाल। फिर नहीं पता चलेगा दिल का हाल, कह देगा कि कहीं से उड़ के आएगा, मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता। पहले सारे सबूत इकट्ठा करो, फिर करो अंतिम बार। गुरु जी के अनुसार अगर शादीशुदा मर्द में 3 लक्षण दिख जाए ना, तो इस काले बाल की तरह इसकी दाल भी काली है। कौन से 3 लक्षण? लक्षण नंबर 1। चलिए हाथ धो लीजिए, हम आपके लिए खाना लगा दें। अरे नहीं यार, जो ऑफिस में खा लिया था तो बिल्कुल मन नहीं है। अरे आपके फेवरेट मलाई कोफ्ते बनाए आज हमने। मलाई कोफ्ते? अरे नहीं यार, बहुत हेवी हो जाएगा। एक काम करो, कल टिफिन में दे दो। ठीक है, सोता हूँ। इस हफ्ते में ये 3री बार है। अब भाई जब बाहर भूख मिट रही हो तो फिर घर में भूख क्यों लगेगी। लक्षण नंबर 2। संडे का कंफर्म है, आई विल पिक यू अप। या आई विल सी यू, गुड नाइट। प्रीति, आज नहीं, आज बहुत थका हुआ हूँ। लॉन्ग डे, सोता हूँ मैं। Night. बाकी सबके साथ he is always in a good mood, but तुम्हारे साथ I am not in the mood. देख लो, तुम में इंटरेस्ट कम हो रहा है। लक्षण नंबर 3। खाना अच्छा बना। थैंक यू। देखो फोन को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा, ऐसा लग रहा है फोन में ही इसकी जान बसती हो। ये तो गुरुजी के बताए हुए सारे लक्षण बिल्कुल सही निकले। क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? अपने मम्मी पापा के घर। हे भगवान, अब तक तो सिर्फ तेरे कान और आंख ही बंद थे, अब अपनी बुद्धि भी बंद कर ली है क्या? बुद्धि तो बंद होगी ही ना, जब सारे लक्षण बता रहे कि इनका चक्कर चल रहा है। अच्छा तो चली जाएगी। हाँ वाह वाह वाह, अरे मूर्ख, तेरा दिमाग खराब है? यही तो वो चाहता है, तू बाहर जाए, मैदान साफ, खुला खेल, फरुखाबादी। अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो वो जाएगा। तू लता को फोन कर। थोड़ा रिस्की है। क्या सॉल्यूशन? थोड़ा रिस्की है। अरे बोल ना, हम रिस्क उठाने के लिए तैयार है। हम रिस्क उठाने के लिए तैयार है। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारे साथ। नहीं 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 नहीं, हम किसी के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, ये चाहे जो करे, हम अफेयर वफेयर नहीं चला सकते। नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि जो तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कौन? घंटी बाबा, AKA कंपनी का गुरुजी।
इस घर में हम तीनों के अलावा कोई और भी है? आप तो अंतर्यामी हैं गुरुजी, आपको सब दिखता है। कौन है प्रीति? कोई भी नहीं। बोल क्या चाहिए, जो मांगोगी मिलेगा। हर वो नारी जिसका समय चल रहा भारी, हम देते हैं उसको क्या वरदान की आरी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रीति बाबा का मंत्र पांच बार पूरा होने से पहले वरदान मांग लो। घंटी शंटी बाबा जी, हम चाहते हैं कि हमें अपने पति की मन की सारी आवाज सुनाई दे। पक्का? हाँ श्योर है। हाँ गुरुजी। लॉक कर दें? हाँ गुरुजी। लेकिन ध्यान रहे, हर वरदान पूरा होने के लिए मांगता है एक बलिदान। देयर इज अ फ्लिप साइड, रिस्क तो है। रिस्क? कैसा रिस्क गुरुजी? ये तो अभी हमें भी नहीं मालूम, पर रिस्क तो है। अगर सच्चाई का पता लगाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क है तो इश्क है। करेक्ट, सारे लक्षण ना उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बोलते घंटी शंटी उड़ल पुड़ल, जल्दी कीजिए, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है। माल तुम्हारा तो नहीं था? नहीं तो हाँ बोलो। बोल दे। हाँ लॉक कर दीजिए गुरुजी। तो ठीक है, आज रात के 12 बजे तक पति के मन की सारी बात सुनाई देगी। घंटी शंटी उड़ल पुड़ल बम्बोश। कब से बेल बजा रहा हूँ, खोल क्यों नहीं रही थी? आज इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? यार बताओ, जल्दी आओ तो प्रॉब्लम, लेट आओ तो प्रॉब्लम। खाना लगा दूँ? खाता हूँ थोड़ी देर में। आज फिर से दाल खिचड़ी बनाई होगी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? आज फिर कोई सवाल है? क्या हो गया प्रीति, तुम कुछ पूछना चाहती हो? नहीं कुछ नहीं, अब सारे सवाल खत्म, अब तो सिर्फ जवाब ही जवाब। और हमने ना कोई खिचड़ी विचड़ी नहीं बनाई है, हमने तुम्हारा फेवरेट पालक पनीर और जीरा राइस बनाया। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू। वाह, तेरी ड्रेस की जरा तारीफ क्या कर दी, तू तो पिघल गई। फोकस कहाँ है तेरा? अरे नहीं, घंटी बाबा का वरदान सच हो गया, हमें सब कुछ सुनाई दे रहा है, हमें उनके मन की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ देखा मैंने, अब क्या टाइम कम है हमारे पास, अगर 12 बज गए ना तो वरदान तो जाएगा ही और साथ ही फ्लिप साइड भी चढ़ जाएगी हम पर। जल्दी कर। नहीं नहीं, हम कुछ करते हैं। सुनिए ना, कुछ पूछना था आपसे। तुम्हारे सवालों के लिए पूरी रात पड़ी है, मैं नहा के आता हूँ फिर बात करते हैं। ओके? नहीं अभी अभी अगर बात कर लेते तो। मैं नहा के आता हूँ, आराम से बात करते हैं। आता हूँ। आज तक का बेस्ट पालक पनीर बना है। अच्छा बना है ना? बहुत। डायना बिना बिना कितनी बार बोला घर पहुंच जाता हूं उसके बाद मैसेज ना किया किया करे, चैन ही नहीं पड़ता उसको। आई विल कॉल यू लेटर। तुमसे सवाल पूछूं? पूछो ना। अगर तुम्हें दोबारा शादी करने का मौका मिले तो क्या करोगे? मतलब दूसरी शादी? मतलब तुम्हारे साथ एक और बीवी? अरे मतलब एनिमल पिक्चर में जो बॉबी देओल की थी ना, पर उसकी तो तीन थी ना? नहीं मतलब अगर तुम्हें दुल्हन बदलने का मौका मिले तो क्या करोगे? बीवी बदलने का मौका मिले तो? नहीं नहीं, कहाँ मिलेगी मुझे तुम्हारी जैसी बीवी, इतनी सुंदर, सुशील, भरोसा करने वाली। इनफैक्ट अगले 100 जन्म में भी तुम ही मेरी बीवी होगी। मतलब किसी को भी चूज कर सकते हैं ना? ओके हाँ ओके, सो आई विल चूज दीपिका पादुकोण। पर उसकी तो शादी हो गई ना, बच्चा भी हो गया। कटरीना कैफ, उसकी भी शादी हो गई। आलिया की भी शादी हो गई।
ये सब हिरणों ने एक साथ शादी कर ली है यार, मार्केट में कोई बचा ही नहीं है। तुम ही हो मेरी लाइफ की हीरोइन, तुम ही हो। हाँ बहुत प्यार करते हो ना मुझसे। तुम्हें शक है मेरे अलावा कोई और पसंद है तुम्हें? ना है और ना कभी होगी। अरे डायना के बारे में पूछ पूछ। और वो डायना कौन? वो डायन? अरे उसके तो मुंह पे मार के आया हूँ मैं रेजिग्नेशन। कॉल मैसेज कर रही है कब से कि वापस आ जाओ, पर मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि नहीं बन के रहना आप किसी का गुलाम। कभी मुझे पिक करो, कभी क्लाइंट के साथ मीटिंग में चलो रात को। तुमने भगवान से कहा था ना, मिल गया मुझे बेटर ऑफर और निकल गया मैं उस डायन के चंगुल से। थैंक यू प्रीति फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई लव यू यार। लव यू। पालक पनीर बढ़िया बनाती हो तुम, मजा आ जाता है। तो आपकी समस्या का सलूशन मिल गया? जी गुरुजी, वो बस हमारे दिमाग का वहम था। तुम्हारे क्या इसके? अब वो छोड़िए ना गुरुजी, हम बस आपको थैंक यू बोलना चाहते थे। रुको, मैंने कहा था ना इस वरदान का एक फ्लिप साइड भी है, तो सुनो तुम दोनों, जो सच नहीं था वो तुमने सोचा, तो अब जो तुमने सोचा वो सच होगा। मतलब अब अफेयर होगा? कैसी कैसी बात कर रहे हैं आप गुरुजी, क्या पागल हो गए हैं क्या आप? नहीं गुरुजी, देखिए गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब गलती की है तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी, जो भोगे वही तो काटोगे। इसने तुम्हारे मन में न जाने कौन सा बीज बो दिया, एक हल्के से चलती हवा को बवंडर का रूप दे दिया, तो अब इसकी गलती की सजा तो तुम ही भुगतोगी ना, क्योंकि तुम और ये एक ही हो। हमें माफ कर दीजिए गुरुजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमने अपनी अंतरात्मा की बातों में आकर अपने पति पर शक किया। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हमें एक मौका दे दीजिए प्लीज प्लीज। प्यार? ठीक है, थैंक यू। तुमको एक मौका देते हैं, या तो इसे भस्म कर दो या अपने रिश्ते को। ये गुरुजी आप पागल हो गए हैं क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं? तू ऐसा कुछ नहीं करेगी यहाँ, इनका क्या है? ये तो अभी चले जाएंगे। तेरे साथ कौन रहता है पूरे टाइम? मैं। तेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैं। तेरे बुरे वक्त में कौन तेरे साथ होता है? मैं। यू नीड मी? आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड यू। और तू ना कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वर्स्ट फ्रेंड है तू, मुझे नहीं चाहिए तू। जा चली जा यहां से, प्लीज गो। इनर वॉइस, इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज, इन चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए। अपने आंख, नाक, कान और बाकी इंद्रियों का भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कई बार जिसे हम इनर वॉइस समझते हैं वो सिर्फ इनर नॉइज होती है। बम वूश।